हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। देखिए आज लड्डू गोपाल जी के लिए हम आपको इस ड्रेस को बनाना बताएंगे। और देखिए फ्रेंड, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है ये। ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इस ड्रेस के अलग अलग कलर भी दिखा देंगे, किस कलर में सबसे प्यारी लगेगी आप तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हो। हम कई कलर की पिक यहाँ पे लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चोली बना ली है। चोली बनाने के बाद देखिए, चोली का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चोली बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पर 1 2 3 रो कम्प्लीट किए हैं। फर्स्ट रो में हमने सभी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। सेकंड में और थर्ड में हमने हर तीसरी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए 1 और 2 रो हमने वाइट कलर से बनाई है, फिर हमने येलो कलर का धागे को जॉइंट कर लिया था। 1 रो हमने ये येलो कलर से बनाया है, इसमें भी हमने हर तीसरी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे देखिए हमने 3 रो कम्प्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, अब हम 4th रो बनाएंगे। फोर्थ रो देखिए हमें कैसे करना है। 1 2 3 चैन बनाएंगे और देखिए 3 चैन बना के हमें यहाँ पे इसी चैन में से देखिए यहाँ पे इसके सेंटर में से लेना है ऐसे डबल क्रोशिया के। 1 3 की चैन हो गई, 1 2 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम और देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। एक और बना लेंगे, 4 डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में 1 2 3 चैन और फिर देखिए इसी में से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और देखिए 3, देखिए 4 डबल क्रोशिया इधर से, 4 हमारा इधर से हो गया। सेंटर में हमने 3 चैन बना ली। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, यहाँ से लेना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें चैन बनानी है, 1 2 3 चैन और फिर हम 1 2 3 डबल क्रोशिया की सेंटर में से लेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर से हमें देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, यहाँ से लेना है ऐसे 1 2 3 4 देखिए ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन और फिर इसी में से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, फिर देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, यहाँ से सेंटर में से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए 1 2 3 चैन और फिर 1 2 3 को स्किप करके यहाँ से सेंटर में से चैन में से हमें नहीं लेना है। देखिए फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाना है हमें सभी में। देखिए यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, अब हम 4 बनाना है इसमें ऐसे 2 3 और देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और फिर इसी में से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपना रो ये कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाई है, इसी तरीके से पूरे में हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है और देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये 1 2 3 4 5 6 है चैन। तो देखिए यहाँ पे हम इसके सेंटर में से 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन ली थी उसमें से 1 क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से देखिए ऐसे इसके लूप में आ जाना है, जहाँ पे हमने 3 चैन बनाई है इसके सेंटर में हमें आना है और यहाँ से हमें 1 2 3
थ्री चैन बना के फिर इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री और देखिए फोर, फोर डबल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री, फिर इसी में से फोर डबल क्रोशिया, वन टू और देखिए थ्री, एक और बना लेंगे, फोर फोर हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे, फिर देखिए वन टू थ्री चैन और फिर हमें इसी के ऊपर से देखिए जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना लेना है ऐसे, फिर वन टू थ्री चैन इस तरीके से थ्री चैन बना के फिर हमें इसके सेंटर में से ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री चैन और फिर इसी में से फोर डबल क्रोशिया, देखिए वन टू थ्री और देखिए फोर डबल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री चैन और फिर यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर से वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ऐसे, फिर वन टू थ्री चैन और फिर यहाँ पे इसके सेंटर में से फिर फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड जैसे हमने इस फर्स्ट रो को बनाया है ऐसा ही हमने इसको बनाया है, फिर इसके ऊपर हम फिर से इसको ऐसे ही बनाएंगे। इसी तरीके से हमारे ये वन टू थ्री फोर, फोर रो हम कंप्लीट कर लेंगे, टू हमारे सेकंड हम बना रहे हैं, फिर थर्ड भी इसी तरीके से बनाएंगे, फोर्थ भी इसके ऊपर इसी तरीके से बनाएंगे। कोई भी फंदा हमें बढ़ाना घटाना नहीं है, सेम हमें ऐसे ही बनाना है जैसा हमने फर्स्ट ये वाला बनाया है ऐसा ही सेकंड बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया ऐसा ही थर्ड बनाएंगे, ऐसा ही हम फोर्थ बनाएंगे, सेम ऐसा ही बनाते हुए हम यहाँ पे ये फोर रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है जैसा मैंने आपको बताया था, ऐसे ही हमने वन टू थ्री फोर, फोर रो कंप्लीट कर लिए हैं और देखिए इस तरह के बन के तैयार हुआ है ये। अब देखिए अब हम लास्ट में आ गए और देखिए लास्ट में अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे भी मैंने थ्री चैन बना ली है डबल क्रोशिया के बाद, फिर यहाँ से हमें इसको ऐसे जॉइंट करना है स्लिप स्टिच से, और धागे को यहीं पे हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स धागे को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है और देखिए अब हम इस कलर के धागे को लेंगे, इस कलर से बनाएंगे और देखिए हमें अब इसको, देखिए फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे ये देखिए वन टू थ्री फोर रो बनाई है, फोर फोर डबल क्रोशिया के जो इनका सेंटर है और सेंटर का हमारा ये यहाँ पे देखिए चैन है, यहाँ पे इसके सेंटर में से हमने लेना है इस तरीके से, यहाँ से हम धागे को जॉइंट कर लेंगे ऐसे और फिर हम यहाँ पे देखिए वन टू धागे को इसी के अंदर ले लेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन चैन बनाएंगे, इलेवन चैन बना के फिर वापस इसी में हमें ऐसे वन सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिए ऐसे हम लूप बना लेंगे, फिर हम करेंगे क्या, फिर हम चैन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन चैन बना लेंगे, सेवन चैन बना के देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट का है इसके देखिए यहाँ से जो हमारा ये डिजाइन है इसके सेंटर में से नीचे से नेक्स्ट में से हमें लेना है ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, फिर से हमने इलेवन चैन बना ली और फिर वापस इसी में देखिए वापस इसी में वन सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे, देखिए इस तरीके के लूप हमें बनाने हैं और फिर से सेवन चैन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन चैन बना ली, सेवन चैन बना के फिर देखिए फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट में आ जाएंगे इसके सेंटर में, देखिए यहाँ से फिर हम इलेवन चैन का लूप बनाएंगे, देखिए यहाँ पे बनाना है हमें, इसका ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे जो हमने इस डिजाइन को बनाया इसके सेंटर में से हमने यहाँ पे लेना है, वाइट कलर में से लेना है
एक हमारा ये रो था, इसके नीचे से यहाँ से वाइट कलर में से लेना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से लो बनाते हुए, और हमने यहाँ पे भी सेवन चैन बना ली है। अब जहाँ से हमने शुरू किया था उसी में आके हम यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे धागे को हमें यहीं पे कट कर देना है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें करना क्या होगा, जितने भी हमने यहाँ पे लूप बनाई है सभी लूप को हम ऐसे क्रोशिया हुक की हेल्प से ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे, सीधी तरफ से निकाल लेंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से सभी लूप को हम बाहर निकाल लेंगे, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, सभी लूप को हमने बाहर की तरफ निकाल लिया है। और अब देखिए, अब हमें करना क्या होगा, अब हम इसी कलर के धागे को लेंगे जिसने हमने लूप बनाई है। और देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया है। तो देखिए हमें यहाँ पे 1 2 3 4 4 के सेंटर में, 4 इधर हो जाएंगे हमारे, 4 इधर, तो इसके सेंटर में से हमें यहाँ पे इस धागे को जॉइंट कर लेना है। देखिए यहाँ से हमें इसको जॉइंट कर लेना है धागे को इस तरीके से। एक चैन और बना लेंगे ऐसे, और देखिए इस धागे को हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से धागा लेंगे और यहाँ से निकालेंगे ऐसे, 1। देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम इसके सेंटर में आ जाएंगे। जैसे हमने इधर से सेंटर में से लिया है, फिर हम इधर से भी इसके सेंटर में आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें से इस तरीके से। फिर इस लूप में से नेक्स्ट लूप में से बनाएंगे इसी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और देखिए 7, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 चैन और फिर 2 टाइम्स धागा, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 ऐसे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार धागा लेके 1 2 3 ऐसे, जैसे हमने इसमें बनाया है। फिर 1 2 3 चैन और सेंटर में 1 सिंगल क्रोशिया। फिर इधर से भी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 टाइम्स धागा, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया। फिर देखिए, फिर यहाँ पे इसके सेंटर में से ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको ये टूलिप बना के दिखाई है, इसी तरीके से जितने भी हमारे लूप हैं सभी में ही इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी लीफ हमने बना ली है। और देखिए अब हम लास्ट में आ गए, और देखिए यहाँ तक हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमें इसको जॉइंट कैसे करना है, देखिए यहाँ, देखिए यहीं से हमें इसको जहाँ से शुरू किया था उसी में आके धागे को इस तरीके से कट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, सभी एक्स्ट्रा धागों को हमने कट कर दिया है। और देखिए इतनी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हमारी बन गई। अब देखिए आगे हमें करना क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसके सेंटर में से इस कलर से बनाना है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने धागे को जॉइंट कर लिया है। देखिए 1 2 3 चैन, यहाँ पे हमने इसको जॉइंट करके 3 चैन बना ली। फिर हम इसमें से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर देखिए नेक्स्ट में जाएंगे डबल क्रोशे के सेंटर में से, फिर 1 2 3 चैन और फिर इसी में से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे ऐसे, फिर 1 2 3 चैन, फिर इसी में से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट डबल क्रोशे के सेंटर में से 1 2 3 चैन और फिर इसी में से 1 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 चैन और यहाँ पे इसके सेंटर में से इस तरीके से बनाएंगे, देखिए, फिर 1 2 3 चैन और फिर यहाँ पे डबल क्रोशे के सेंटर में से, चैन में से हमें नहीं लेना है, सेंटर में से लेंगे, फिर 1 2 3 चैन, फिर वापस इसी में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के सेंटर में से, फिर 1 2 3 चैन, फिर वापस इसी में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में से 1 2 3 चैन, फिर इसी में से 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से, फिर देखिए फिर नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे, फिर 1 2 3 चैन और फिर वापस इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट में से 1 2 3 चैन, फिर वापस इसी में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में, फिर 1 2 3 चैन, फिर इसी में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बनाना है, और इसी तरीके से बनाते हुए हम पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से बनाते हुए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लास्ट में आ गए, और लास्ट में हम इसको जॉइंट कैसे करना है, मैंने यहाँ पे इसमें भी बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे और इसमें 1 स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को यहीं पे कट कर देंगे और अंदर की तरफ हमें ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आउटलाइन हमने बना दी है और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके रेडी हो गई। और देखिए आप यहाँ पे चोली पर भी आउटलाइन बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी चोली पर आउटलाइन कैसे बनानी है। देखिए इस तरीके से भी हम रख सकते हैं, क्योंकि हम जब लड्डू गोपाल जी को पहनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो उनको ज्वेलरी भी पहनाएंगे, जिससे कि हम आउटलाइन बनाए या ना बनाए इधर से भी हम पहना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप इनको डेकोरेट भी कर सकते हो पर्ल से, मोती से, और इस तरीके से भी रख सकते हो, दोनों ही तरीके से बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वाइट कलर के पर्ल को भी लगा लिया है। देखिए इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो और बगैर पर्ल के भी बना सकते हो, यहाँ पे नगों से भी डेकोरेट कर सकते हो, और इस तरीके से भी देखिए इस तरीके से भी काफ़ी सुंदर लगती है। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।